एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मिस चतुर और मैं हूं प्रज्ञा। सो आज का वीडियो होने वाला है द बेड एंड द विंड शो। यस, फ्लिपकार्ट के ऊपर आप अभी उनके गेम सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको द बेड एंड द विंड शो का एक बड़ा सा बैनर ब्राउन कलर का नजर आ जाएगा। तो क्या है ये बेड एंड द विंड शो, इसमें आप कैसे जीत सकते हो, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो जो बेड एंड द विंड शो है, इस शो में आपको बोली लगानी है। यस, आपको बोली लगानी है, बट किस तरीके से बोली लगानी है, देखिए आज जैसे कि सपोज कर लीजिए, फॉर एन एग्जाम्पल, आज उसमें एक फ़ोन आया है, ठीक है, एक फ़ोन आया है और उसका उन्होंने खुद एक प्राइस रेंज दे दिया कि 30,000 से 40,000, इसके बीच में आपको बोली लगानी है, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है कि आप इसको कितनी की भी बोली लगा सकते हो। मैंने सोचा कि मैं ना जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, आप सब अलग अलग बोली लगाइए, अगर सेम बोली लगाओगे तो नहीं जीतोगे, ठीक है। 30,000 to 40,000 के बीच का था, मैंने सोचा चलो मैं ना इसको 39,000 पे इसको सेट कर देती हूँ, ठीक है। 39,000 का मैंने इस पर बोली लगा दिया। आपके पास सिर्फ 15 सेकेंड होंगे, सिर्फ 15 सेकेंड के अंदर आपको वो बोली को लगा लेना है, उससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लेना है। 15 सेकेंड के बाद वो खुद ही उसका एक यहाँ पे आप वहाँ पे एक मीटर नज़र आ रहा होगा, वो गायब हो जाएगा। तो सिर्फ 15 सेकेंड के अंदर आपको बोली उसमें लगा देनी है। अब इसमें विनर्स कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। आप सीधा आ जाइए फ्लिपकार्ट के जो गेम्स वाले सेक्शन में, ठीक है, वहाँ पर जब बिड एंड द विन शो के आप नीचे देखोगे तो वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन वाला आ रहा होगा, पूरा स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ठीक है। सो उसमें आप विनर्स जो स्क्रॉल कीजिए, वहाँ पे विनर्स का आपको एक ऑप्शन नजर आएगा। सो विनर्स कैसे डिसाइड होंगे, सो विनर्स विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइसेस ऑफ अमाउंट फॉर विच द लीस्ट नो ऑफ द यूजर बिड। इफ टू और थ्री प्राइस अमाउंट गेट द सेम नंबर ऑफ यूजर बिड फॉर इट, द लोएस्ट प्राइस अमाउंट विल बी टेकन एज टाई ब्रेकर। सो इसमें क्या होगा ना कि बहुत सारे लोग बोली लगा रहे हैं, ठीक है, सो उसमें से जो भी अमाउंट पे सबसे कम लोगों ने बोली लगाई होगी ना, ये सबसे कम लोगों ने, लीस्ट, यहाँ पे खुद ही वर्ड मेंशन किया है लीस्ट यूजर्स, ओके, सबसे कम लोगों ने जिस अमाउंट पे बोली लगाई होगी ना, वो इंसान वो जो भी कोई होगा वो विन करेगा, ठीक है। सो जैसे कि उसमें इन्होंने एक एग्जाम्पल के रूप में भी दिया है, अ प्रोडक्ट शोकेस द बिडिंग इन एन एपिसोड विद द रेंज ऑफ 100 to 200, ओके, एक बिडिंग रेट है इनका 100 to 200 के बीच में आपको इसमें बिड करना है, ठीक है। सो 25 यूजर ने 101 पे बोली लगाई है, ठीक है, फिर 102 यूजर ने 24 पे, और 103 रुपये पे 27 लोगों ने, 104 रुपये पे 25 लोगों ने। सो अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्राइजेस पे बोली लगाई है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो 102 रुपये वाला था उस पर सिर्फ और सिर्फ 24 लोगों ने बोली लगाई है, सिर्फ 24 लोगों ने ही 102 पे बोली लगाई, और सबसे कम 24 ही है। तो जो 24 मतलब सबसे कम है यहाँ पर, ओके, सो जो सबसे कम होता है उसको मिल जाएगा। तो आपको ऐसी बोली लगानी ना कि जो बहुत कम लोग उस पर बोली लगाए, और अगर आप उसमें से कोई हो गए तो आप जीत जाओगे, और अगर जीत जाओगे तो आपको ओप्पो रेनो प्रो फोन सिर्फ 1 रुपये, बट आपको यस 1 रुपये भरना पड़ेगा, ठीक है, तो 1 रुपये आपको भरना रहेगा इसमें। और भी बहुत सारे प्राइजेस है कि 3 लोगों को ओप्पो रेनो मिलेगा, ठीक है, और 500 लोगों को 1,000 के गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे, और बाकी के जो भी विनर्स होंगे उन्हें 500 रुपीज़ के वाउचर्स मिल जाएंगे। सो इस तरीके के अलग अलग वाउचर्स है, वो भी आपको मिल सकते हैं, बट आपको बिड करना है ऐसे अमाउंट पे जिस पे बहुत कम लोग ने बोली लगाई है। ये पूरा तुक्का ही है, ठीक है, कि मैंने अंदाजे कोई प्राइस लगा दिया बट उस पे और किसी ने बोली नहीं लगाई तो आप जीत जाओगे। सो ऐसे प्राइस को ढूंढिए जिस पे बहुत ही ज़्यादा कम लोगों ने बोली लगाई, ऐसा मत ढूंढिए कि जैसे कि आपको पता है कि फ़ोन का प्राइस ही समथिंग कुछ कितना प्राइस ही लेते हैं 32,000 के फ़ोन का प्राइस है और आप 32,000 ही लगाओगे। हो सकता है बहुत सारे लोग 32,000 ही लगाए, ऐसा भी हो सकता है, या हो सकता है कोई भी नहीं लगाए। सो भी लक बाय चांस वाला भी है थोड़ा, ठीक है ना, कि आपको मिलना होगा तो मिल जाएगा। सो ऐसे नंबर पे प्राइस पे बोली लगाइए जिस पे बहुत ज़्यादा कम लोगों ने बोली लगाई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोली लगाइए, इसे ट्राई कीजिए, बिकॉज इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, आपको कुछ भी नहीं भरना है, फ्री में अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, और अगर मिल जाएगा तो अच्छा ही, और जिस किसी को भी मिलेगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं भी ट्राई करूंगी, आप भी ट्राई करिए, देखते हैं किसकी बोली मतलब जीत जाती है, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए, मैं भी ट्राई करूंगी, और कमेंट्स में जिसको भी मिलेगा वो बताएगा मुझे, और अगर मुझे मिलता है तो मैं भी आपको बताऊंगी। और ये था मेरा आज का वीडियो, अगर और भी कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपकी सारी क्वेरीज के आंसर जरूर दूंगी। एंड अंटिल देन, बाय।